नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बदोरे। हमारे खास पेशकश सर्दी में सावधान, आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम सेहत के लिए कई चुनौतियों को लेकर आता है और इस मौसम में हार्ट अटैक के मामलों में उछाल आ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ठंड में तापमान कम होने से हमारे हार्ट की आर्टरीज सुकड़ जाती हैं और इसकी वजह से हार्ट में ब्लड की सप्लाई बाधित हो सकती है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज के मरीजों को इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कार्डियोलॉजिस्ट की माने तो लोगों को सर्दी के मौसम में सुबह 4 से 5 बजे से पहले घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और इस वक्त तापमान सबसे कम होता है और सेहत पर इसका सीधा असर होता है। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या रनिंग करने वाले लोगों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा रात में 10 से 11 बजे के बाद भी तापमान काफी गिर जाता है और इस वक्त घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। जो हार्ट डिजीज के मरीज हैं वे धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलें और शाम को जल्द ही घर में आ जाएं। ऐसा करने से हार्ट अटैक से बचाव हो सकेगा। घर में बाहर निकलें तो प्रॉपर गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। एक से 21 दिसंबर तक हुई ब्रेन अटैक से 42 लोगों की मौत और 21 दिसंबर तक 30 हार्ट पेशेंट की हो चुकी है मौत। 3 दिन में निजी अस्पताल में 4 मरीजों ने सर्दी से दम तोड़ दिया है। सर्दी में खून में फाइब्रिनोजन पदार्थ काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इससे खून काफी गाढ़ा हो जाता है और अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद शर्मा। विनोद जी, सर्दी का सितम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ग्वालियर पचमढ़ी के बाद शायद दूसरे नंबर पर आता है जहां सबसे ज्यादा सर्दी और गर्मी दोनों ही पड़ते हैं। अभी इस वक्त वहां पर सर्दी का आलम क्या है और अस्पतालों में मरीजों की हालत क्या है? देखिए, ग्वालियर में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान रात में पहुंच जाता है, इसके साथ कोहरा है, शीत लहर का प्रकोप जारी है। जो सबसे ज्यादा इस समय परेशानी देखी जा रही है मरीजों में, ब्रेन अटैक, ब्रेन हेमरेज, इस तरह की जो है लोगों में सिम्टम देखे जा रहे हैं। साथ ही हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं। अकेले जयरोग अस्पताल में तकरीबन अभी तक जो ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक की अगर बात करें तो 42 लोगों की करीब मौतें हो चुकी है पिछले 1 महीने के पहले। और साथ ही जो चिकित्सक है उनका कहना है कि सर्दी के मौसम में एक तो नींदों का जो वो गाढ़ा होने लगता है जिसके चलते उन्हें अटैक पड़ जाता है। दूसरा ये है कि रात में अगर आप बिस्तरों में सो रहे हैं, अचानक आपको बिस्तर से उठ के जाना हो, शौचालय या कहीं जाना हो, तो बिल्कुल अचानक ना उठे और थोड़ी देर बिस्तर में रुके, उसके बाद गर्म कपड़े पहने, टोपा मफलर कुछ है तो उसको लगाएं, शरीर को पूरा कवर करें और उसके बाद अगर खुले में शौचालय है तो उसमें जाए, नहीं तो रात में भी अटैक पड़ सकता है। साथ ही जिन लोगों को कोविड हुआ था उनको ज्यादा परेशानी आ रही है, उनका चूंकि रक्त गाढ़ा हो जाता है, उनको ऐसे लोगों को इको स्प्रे जैसी गोलियां लेनी चाहिए ताकि उनका रक्त जो है वो पतला बना रहे। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं या गोलियां खाते हैं, वो नियमित अपनी गोलियों का सेवन करें, किसी तरह तो उनको छोड़े नहीं। और सुबह के समय अगर वॉक करते हैं तो उसको अवॉइड करें, रात में घर से बाहर ना निकलें ज्यादा सर्दी में, और अगर सुबह को जाते हैं तो उस समय वॉक करने के लिए जाएं जब धूप निकल आए, अगर टेम्परेचर थोड़ा गुनगुना हो जाए उसके बाद वो घर से बाहर निकले या वॉक करने जाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अचानक वो सर्दी में घर से बाहर निकलते हैं, वॉक करने चले जाते हैं तो उसे उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक उनको आ सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह के जो एडवाइजरी डॉक्टरों ने जारी की है, ग्वालियर के पुनीत रस्तों की है डॉक्टर, उन्होंने कहा है, क्या राम रावत डॉक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि इस समय बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, खास करके बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि बुजुर्ग को बहुत जल्दी सर्दी का अटैक पड़ता है और ऐसे में परेशान होते हैं। और साथ ही दूसरा ये है कि घर में अगर हीटर जलाते हैं, किसी तरह से रूम टेम्परेचर बढ़ाने की जो करते हैं, ब्लोअर पर चलाते हैं, तो उनको तत्काल अपने कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो चुका होता है और बाहर जब निकलेंगे तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो इससे उनको स्ट्रोक पड़ सकता है। तो ये कोल्ड स्ट्रोक के चलते बहुत सारे मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं, अपना उपचार करा रहे हैं, चाहे न्यूरो विभाग हो या फिर कार्डियो विभाग हो, तमाम मरीज लगातार पहुंच रहे हैं और ये अक्सर
इन दिनों में देखने को मिलता है। हर साल जब सर्दी ज्यादा पड़ती है और तकरीबन 30 जनवरी तक ऐसा चिकित्सकों का मानना रहता है कि 30 जनवरी तक ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए विनोद जी। हमारे साथ जबलपुर से अरविंद दुबे जुड़ गए हैं और भोपाल से दुर्गेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश में राजधानी भी फिलहाल इतनी ठंडी नहीं हुई जितने अन्य शहर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंड है और जाहिर है कि ठंड है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और अपने सितम पर आएगी, तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं, लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी डॉक्टरों के द्वारा जारी की गई है, गरीब लोग जो कि सड़कों पर रहते हैं उनके द्वारा के लिए क्या कुछ नगर निगम ने व्यवस्थाएं की हैं इस सर्दी से बचाव करने के लिए? बिल्कुल दीपक, स्पष्ट तौर से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में सुबह और शाम का मौसम जो है वो सर्द हो रहा है, जरूर सुबह और शाम को ही कड़ाके की ठंड पड़ते हुए देखने को मिलती है। वहीं अगर रात की बात करें तो रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो फुटपाथ पर सोने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए रैन बसेरा की सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा पहले से ही की जाती है और इसी के साथ में रैन बसेरा में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाती है और गर्म कपड़ों के साथ में समय समय पर जो जिला प्रशासन भोपाल कलेक्टर हैं भोपाल कलेक्टर भी दौरा करते रहते हैं कि रैन बसेरा में उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं या नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि नई सरकार बनने के साथ में प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव भी समय समय पर रैन बसेरा जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं वहां पर। इसके पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हर ठंडियों में रैन बसेरा में देखने को मिलते थे, रैन बसेरा जाते थे, वहां पर उपयुक्त तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते थे कि किस प्रकार से वहां पर लोग रह रहे हैं, गर्म कपड़ों की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, वह तमाम तरह से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता था। उसी तारतम्य में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसी तारतम्य में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचते हैं और इसी के साथ में जो जिला प्रशासन है जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं उनको गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाए और इसी के साथ में जिला प्रशासन के अलावा भी जो अन्य लोग हैं जो थोड़ा सा दानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह भी जाते हैं मंदिरों के आसपास कंबल दान करते हैं, मंदिरों के आसपास रहने वाले गरीब लोगों के लिए कंबल दान करके आते हैं, गर्म कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल वासियों में यह व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर बात की जाए एडवाइजरी की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो अन्य लोग हैं उनके लिए स्पष्ट तौर से नगर निगम की तरफ से गर्म अलाव की व्यवस्था की जाती है कि जगह जगह पर मोहल्लों पर अलाव की व्यवस्था हो ताकि वह आग के गर्म अलाव जला लगाकर उसमें आग की व्यवस्था कर खुद को ठंड से बचा सकें, गर्म कपड़े पहनकर लोग निकलते हैं। जी दीपक जी, अरविंद जी, जिस तरह से बुंदेलखंड के गांव में बहुत पहले कहावत कही जाती थी कि सर्दी कहती है बच्चों को हम छुए ना जो अनजवान लगे हमारे भैया, बूढ़न को हम छुड़े ना चाहे वो ओढ़े चार रजैया, लेकिन अब ये थोड़ी सी कहावत अलग हो गई है, अब चाहे छोटे बच्चे हो चाहे जौन जवान हो चाहे वो बूढ़े हो सर्दी सबको लगती है और सबको खतरा है। बिल्कुल दीपक जी, और ये खतरा सबसे और बढ़ गया है जब से कोविड का प्रकोप हुआ था। लगातार जोधपुर में भी इस तरह के हादसे देखने में आए हैं जिसमें कि कम उम्र के नौजवानों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है, कुछ में कैजुअलिटी हुई है और कुछ में उन्हें अपना गंभीर इलाज कराना पड़ा, हृदय का ऑपरेशन भी कराना पड़ा, कईयों को तो दिल्ली एम्स तक शिफ्ट करना पड़ा। इस तरह के मामले लगभग जबलपुर में प्रतिमाह सामने आ रहे हैं और लगातार ये मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। आपको याद होगा दीपक जी, पिछले साल यहाँ पर पुलिस भर्ती के दौरान एक एक करके लगभग 4 नौजवान की मौत हुई थी और ये आकस्मिक मौत थी और उन चारों युवकों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच में थी और जब इनका पोस्टमार्टम किया गया था तब हमने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से रिपोर्ट ली थी, क्योंकि आमतौर पर डॉक्टर तो जो जीवित व्यक्ति होता है उसका इलाज करते हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं, लेकिन जिसकी मौत हो जाती है मौत के कारणों की वजह की कैसे आई सामने और क्या हुई ये तमाम जानकारी तो जो पोस्टमार्टम करता है डॉक्टर वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है। जब वो चारों युवकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हमने जानकारी ली थी तब उस वक्त डॉक्टर ने हम बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि अभी इस वक्त बच्चों से लेकर युवा वर्ग के जो लोग हैं उनके हृदय की जो वॉल है वो टिश्यूज जो है वो नर्म रहना चाहिए, लेकिन कोविड के बाद से वो सख्त हो गए हैं और सख्त होने की वजह से हृदय में जो उनकी जो पंपिंग होती है जिससे पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है वो सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है उसका। अब पंपिंग बहुत धीमी हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है क्योंकि हृदय के जो टिश्यूज है वो सख्त हो गए हैं, अब उस तरह के नॉर्मल नहीं रह गए।
ये उन्होंने बड़ा खुलासा किया था और इसलिए उन्होंने ताकीद की थी कि अब बच्चों को युवाओं को बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, एकदम से वो ये ना सोच लें कि उन्हें आधा किलोमीटर तो दौड़ के कहीं जाना है, बहुत ऊंची ऊंचाइयों वाली सीढ़ियों पर लगातार चढ़ना है, जो अचानक इस तरह से श्रम करने वाली स्थितियां हैं उनसे बचना होगा, सभी इस तरह की कैजुअलिटी से बचा जा सकेगा, इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकेगा। और ये उन्होंने बच्चों के लिए युवाओं के लिए एडवाइजरी जारी की थी और मुझे लगता है कि इस एडवाइजरी का पालन करना ही इस तरह की जो अचानक वाले जो अटैक है उससे बचाव का माध्यम बन सकते हैं। जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, 40 साल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए तो एक अलग एडवाइजरी पूरे समय रहती ही है कि अब आपको अपनी सोच में अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाना है। इस तरह के मेहनत के काम जो है वो सरकार भी कहती है कि आप इतना से कुर्सी पर बैठ के काम करिएगा, सेना में भर्ती लोगों को भी ऊंचे पदों पर बैठा दिया जाता है कि नहीं आपको फील्ड वाले वर्क नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर रणनीति तैयार करने वाले काम करना है। तो इस तरह से जो परिवर्तन है वो तो आ जाता है, लेकिन जो युवा है बच्चे हैं बात है कि उन्हें श्रम करने के लिए कहा जाता है कि वो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखे। परिभाषा लेकिन अब बदल गई है दीपक जी, जो परिभाषा अभी आपने बताई लगभग ऐसे ही बदली हुई परिभाषा में परिवेश में हम और आप सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, जाहिर है कि कोविड के बाद से बदलाव तो आई है लोगों के शरीर में, चाहे वो युवा हो, चाहे आप जैसी उम्र के हों, चाहे उससे भी ज्यादा हो, कैसे भी लोग रहे हों उनमें परिवर्तन आया है जीवन शैली में, कुछ खान पीन में भी परिवर्तन आया जिसका नतीजा हम किसी न किसी रूप में भुगत रहे हैं। अब सर्दी से जैसा कि आपने कहा कि खून गाढ़ा हो जाता है सर्दियों में, तो सर्दियों में खून गाढ़ा होने के बाद क्या कुछ ऐसे उपाय हैं डॉक्टर ने बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर का खून गाढ़ा हो चुका है? ये मैं आपसे पूछ जानूंगा ये उत्तर इसका, लेकिन डॉक्टर रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर जिस तरह से सर्दी का मौसम है और ऐसे में हर वर्ग के लोगों को, बच्चों हो चाहे वो बुजुर्ग हो युवा हो, सबको हिदायत दी जाती है कि कपड़े पहनकर निकलें, एकदम नहाने ना जाएं, नहाएं तो ठंडे ज्यादा पानी का उपयोग ना करें, और जैसे कि हमारे सहयोगी भी लगातार डॉक्टरों से संपर्क में हैं, तो उनका ये कहना है कि ऐसे समय में खून गाढ़ा हो जाता है और जिससे जो हार्ट फेलियर है वो ज्यादा, उसकी संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही। सर्दियों में क्या होता है कि हमारी जो शरीर की जो रक्तात्मक इकाइयां हैं, जैसे खून की नसें, वो सिकुड़ना शुरू कर देती है। ठीक है। जब भी शरीर की जो है नसें सिकुड़ना होती है हाथ पैर की, तो उससे क्या है खून जो है वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है शरीर के लास्ट पार्ट में, और बॉडी की जो क्षमता होती है, बॉडी चाहती है कि शरीर को गर्म करते रहे, तो सेंट्रल में ब्लड ज्यादा होता है और इस कारण जो है बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर में खून गाढ़ापन शुरू हो जाता है। ठीक है रावत जी, जैसे बीपी का आपने जिक्र किया, बीपी कुछ लोगों के शरीर में बीपी जैसे ही बढ़ता है तो उन्हें एहसास हो जाता है, पर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनका बीपी काफी हद तक बढ़ जाता है फिर भी उन्हें एहसास नहीं होता, जब हाई लेवल पर पहुंच जाता है तब उन्हें एहसास होता है। इन लोगों को कितना रिस्क है जिन्हें ये जब बीपी बढ़ता है एहसास होता नहीं, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब जाके रियलाइज होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है अंदर। देखिए जो लोग काफी समय से बीपी से पीड़ित हैं और एहसास नहीं हो रहा, तो उनको हम कहते हैं कि वो एक तरह से दीमक हैं, मतलब अंदर उनके दीमक लगी हुई है लेकिन बाहर से वो पॉलिश्ड हैं, उनको बाहर से तो लगता है कि पूरा हमारी फर्नीचर सुरक्षित है, लेकिन जब हम उसको अंदर से खोलेंगे तो पूरी तरह से फर्नीचर में दीमक लगी हुई है, और फर्नीचर जो हमारे शरीर का अंग है वो डैमेज हो चुके हैं, जैसे किडनी हमारी कई हद तक डैमेज हो चुकी होती है ना, हार्ट की जो नसें होती हैं वो काफी डैमेज हो चुकी होती हैं, जो ब्रेन की नसें होती हैं उनमें एन्यूरिज्म बनना शुरू हो जाता है, तो वो एक तरह से हाई रिस्क पे रहते हैं, एटम बम होते हैं वो, किसी भी क्षण अगर उनके साथ दुर्घटना घटती है तो वो कभी भी जो है फट सकता है एटम बम, तो वो बड़ा हानिकारक रहता है। ठीक है सर, जिस तरह से एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक इको स्प्रिंट करके हमारे सहयोगी ने, हमारे उम्र दराज जो काफी समय से बीपी के पेशेंट हैं वो भी खाते हैं कि वो दवा खानी चाहिए, खून पतला हो जाता है उसे, तो क्या ये बिना सजेस्टेड कोई भी खा सकता है जैसे बीपी की प्रॉब्लम है? नहीं, ये बिना सजेशन के डॉक्टर को दिखाए, ये दवा के जितने इफेक्ट हैं उससे ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। ठीक है। अगर हमने किसी अल्सर वाले मरीज को दे दिया इस दवा को पेट में जिसको अल्सर है, तो वो ब्लीडिंग से उसकी मृत्यु तक हो सकती है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट रिएक्शन होती हैं जो आदमी जो है झेल नहीं पाता उस चीज को, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा लेने के लिए मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल छोड़ से ब्रेक का जल्द होंगे। हाँ सर,
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर सर्दी में सावधान रहने की कितनी जरूरत है। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा जी हैं, जबलपुर से अरविंद दुबे जी हैं और भोपाल से दुर्गेश गुप्ता हैं। अरविंद जी, जिस तरह से देखा जाए जबलपुर में औसतन जो अब तक का अगर रिकॉर्ड देखें, इस बार की सर्दी कितनी कड़ाके की है? दीपक जी, अभी तक जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास रहा और ये लंबे समय तक रहा। लगभग इसका ड्यूरेशन करीब 10 से 11 दिन का था और ये दिसंबर के जो दूसरा सप्ताह था उससे प्रारंभ हुआ था और ये अभी तक चल रहा है। हालांकि अब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास आ गया, लेकिन 7 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो शाम के बाद से ही कम होना शुरू हो जाता था। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो हृदय रोगी हैं या जो कमजोर हृदय के लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि उनके हृदय में किसी तरह की समस्या है, उन लोगों के लिए बहुत घातक था और ये बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने वाली बात थी। लगातार चिकित्सक इस बात पर लोगों को ये सलाह देते रहे हैं कि जैसा कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठकर यदि उनकी आदत है कि वे सुबह घर से बाहर निकल पड़ते हैं, गार्डन में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, इन तमाम चीजों को जी। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से हमारे सहयोगी। विकास, जिस तरह से देखा जाए भोपाल राजधानी सुबह और शाम की सर्दी है, लेकिन पचमढ़ी की ग्वालियर की बात करें तो यहाँ सर्दी ज्यादा है, कोहरा भी है अच्छा खासा। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की सर्दी अभी देखी जा रही है? क्या कुछ डॉक्टरों की हिदायत है लोगों को किस प्रकार से बाहर निकलें, क्या खाएं पिएं? देखिए, इंदौर के अंदर अगर बात की जाए तो सुबह और शाम जो है ठंडी जो है थोड़ी ठंडक का अनुभव हो रहा है, लेकिन दिन के अंदर जो है तेज धूप के बाद जो है एक गर्मी का अनुभव होने लगा था, लेकिन एक दो दिन से जो है मौसम में परिवर्तन आया है। बादल छाए रहने के बाद और कुछ हवाएं जो है शुरू हो गई, उसके बाद मौसम में जो है हल्की सी ठंड जो है बनी हुई है। हालांकि कड़ाके की ठंड के आसार जिस तरह से दिसंबर माह में देखे जाते हैं, 2023 में 4 से 5 जो है कोल्ड डे रहे थे, ऐसे कोल्ड डे देखने को नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से मौसम जो है ठंडा और गर्म हो रहा है तो डॉक्टरों ने भी हिदायत देना जो है शुरू कर दी है। जो इस तरह से सुबह का अगर ठंडा मौसम रहता है तो कुछ गर्म कपड़े पहनने की सलाह जो है डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मौसम लगातार बदलाव होता जा रहा है, मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कभी जो है ठंडक हो जाती है दोपहर के बाद, जो है एक तरह से गर्मी का अनुभव देखने को मिलता है। तो जो डॉक्टर की यही जो है एडवाइजरी है कि अपने सेहत का जो है ध्यान रखें, जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहे हैं या जो तेज धूप रहती है तो घरों से बाहर ना निकले, वो ज्यादा ठंडक में अगर निकलना रहता है तो कहीं ना कहीं जो है गर्म कपड़ा पहनकर ही घर से बाहर निकले। दीपक, बिल्कुल, अभी वहां के हॉस्पिटल्स में क्या मरीजों की संख्या बढ़ रही है? अगर मरीज पहुंच भी रहे हैं तो किस बीमारी से पीड़ित या ग्रस्त मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने मौसम बताया कि मौसम में कभी ठंडक का अनुभव होता है, कभी जो है दोपहर में गर्मी हो जाती है, तो बड़ी संख्या में अगर चाहे शासकीय अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, उससे बड़ी संख्या में जो मरीज है वह पहुंच रहे। खासकर जो मरीज है कहीं ना कहीं सर्दी और खांसी से पीड़ित, वो जो है जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार मौसम में बदलाव आने के बाद जो है फीवर के मरीज भी जो है बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं इंदौर के अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसी बीच में कोरोना जैसी जो बीमारी जो है एक बार और आ गई, तो कहीं ना कहीं लोगों भी अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं और अगर जो है बुखार या हल्की फुल्की सर्दी खांसी भी होती है तो डॉक्टरों का रुख कर रहे हैं और डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाई का सेवन किया जा रहा है। वहीं अगर डॉक्टरों की जो है परामर्श दी जाती है तो कोरोना का चेकअप भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो 10 सालों में इस तरह का मौसम दिसंबर माह में देखने को नहीं मिला, क्योंकि दिसंबर माह कोल्ड डे के नाम से जाना जाता है या सर्द हवाओं के साथ जो है अच्छी खासी कड़ाके की ठंड जो है इंदौर सहित मालवा निमाड़ में पड़ती है, लेकिन इस वर्ष जो है 2023 में मौसम अलग ही विपरीत जो है नजर आ रहा है। कभी जो है सुबह जो है तापमान में थोड़ी गिरावट आ जाती है, दोपहर आते आते शुरू करता है तो कहीं ना कहीं गर्मी का अनुभव जो है लोगों को करना पड़ता है। तो मौसम जो है अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, तो लाजमी है कि जो मरीज है वह मौसमी बीमारियों के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश आपका भी और अरविंद दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया कि किस तरह से डॉक्टर एडवाइजरी कर रहे हैं और कहां पर कितनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। जाहिर है स्वराज एक्सप्रेस भी आपसे ये गुजारिश करता है कि सर्दी का समय है, खुद को बचाव करके रखें, अपनों का ध्यान रखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।